श्री आपका स्वागत करती हूँ हेजी न्यूज में। 24 साल के एक लड़के ने 81 साल की बुजुर्ग महिला से यानी कि अपनी दादी से रचा ली है शादी। अगर उसकी वजह जानेंगे तब आप काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे, तो चलिए जानते हैं इस शादी की वजह क्या है। मेरे साथ बने रहिए, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। ये मामला हमारे सामने यूक्रेनी से आ रहा है, जहां पर ये शादी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया पर भी काफी सारे लोग इस शादी की वजह जानना चाहते हैं और बहुत ही ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं कि अगर आपको बता दिया जाए तब आप भी काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जहां से ये खबर आई है वहां पर एक्चुअली 24 ईयर के एक लड़के ने अपनी चचेरी बहन की दादी से शादी कर ली है। और उसका शादी करने का रीजन सिर्फ ये है कि जब वहां के जो लड़का लोग हैं और जब वो 20 साल वो क्रॉस कर देते हैं और उसका वो लोग 23 और 24 साल तक आते हैं, तब वहां की सेना में कम से कम उनको एक साल बिताना ही होता है और ये कंपलसरी होता है। तो वहां पर भी उस शख्स के पास, उस 24 साल लड़के के पास भी गवर्नमेंट के प्रति एक लेटर आया और लेटर में लिखा हुआ था कि उसको जल्द से जल्द सेना को अभी ज्वाइन करना है और उस लड़के का नाम है एलेक्सेंड्रा। और जब ये चीज देखी तब उसने ये इस चीज को वहां पर जाने के लिए नहीं सोचा, उसने सोचा कि मैं कोई नियम वहां पर बने हुए हैं, कुछ नियमों का मैं फायदा उठा लूं। तो वहां पर कुछ नियम ऐसे हैं कि अगर किसी के भी घर में कोई ऐसा शख्स है जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर है, तब वो लोग वहां पर सेना में अगर भर्ती नहीं होते तो भी चलता है। तो इसने अपनी चचेरी बहन की जो दादी है 81 साल की, उसको मनाने के लिए वहां पर चला गया और उसके सामने अपनी शादी का प्रस्ताव रख दिया। और उसके बाद उसने भी सब लोगों की और उसकी बातें सुनते हुए उसने भी शादी के लिए हाँ कर दिया। और शादी के लिए हाँ करने के बाद ये सब चीजें हो गई और शादी भी हो गई। और उसके बाद वहां की जो सरकार है उसने इस शादी को रक्त समझा, उसने बोला कि ये शादी सही से नहीं हुई है और ये शादी नहीं की गई है। और जब पूरी डिटेल्स वगैरह निकाली गई तब पता चला कि उन्होंने कुछ थोड़ी दूर वहां पर एक मंदिर है, वहां पर जाके उन लोगों ने शादी कर ली थी, जिसके कारण अभी उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, उन लोगों को सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाना है। तो अभी एक्चुअली वहां की सरकार ने अभी उनको 26 एज तक ये अलाउ दिया है, उसके बाद एक्चुअली वो उसको डिवोर्स भी दे सकता है। तो अभी वो युवक उस चीज का वेट कर रहा है और 26 के बाद वो उस लेडी को डिवोर्स दे देगा और अपनी जिंदगी दोबारा से वो बसर करेगा, जैसे वो नॉर्मल इंसान बिताते हैं वैसे ही ये भी बिताएगा। और सिर्फ इसको आर्मी में भर्ती नहीं होना था, इसके कारण इसने अपनी चचेरी बहन की दादी से ही शादी कर ली जो कि अभी इस वक्त 81 ईयर की हैं। तो उसी के साथ सोशल मीडिया पे ये चर्चा बहुत ज्यादा बने हुए हैं, लोग बहुत ही ज्यादा इस लड़के की आलोचना कर रहे हैं, बहुत ही बुरा भला बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं वहां के कानून के हिसाब से एक्चुअली उसने कुछ भी चीज गलत नहीं की है। क्या आपने भी इन सब चीजों के बारे में सुना है कि कोई भी बंदा किसी चीज से बचने के लिए कुछ अलग चीजें कर देता है? सुनी ही होंगी, क्योंकि एक गलती से बचने के लिए हम दूसरी गलती कर ही देते हैं और ये सब चीजें कॉमन हो जाती है। और शायद इस लड़के ने भी ये भी सब चीजें की हैं और वहां की जो सरकार है, वहां के जो लोग हैं, इसके साथ सही वर्ताव कर रहे हैं, सही आलोचना कर रहे हैं। क्या आपकी नजर में भी इसके ऊपर आलोचना करना सही है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ News।